अलकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज का क्लास फ़ोर का हमारा लेसन है किसान और बादशाह ख़ास अल्फाज हैं इसके तनहा गुस्ताखी कान बढ़ना रायगा और आकस करना इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि किसी की बुराई का बदला अच्छाई में देना चाहिए और यहाँ पर बा... किसान ने बादशाह के ख़िलाफ़ बहुत सी बुराइयाँ की यहाँ तक कि उसने उसकी सल्तनत को भी बुरा भला कहा लेकिन जब बादशाह बादशाह ने ये बातें सुनी तो किसान बहुत परेशान हुआ कि शायद मुझे अब बहुत सज़ा मिलेगी लेकिन बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा और उसको किसान की हालत पर रहम आया उसने किसान की तमाम नामनासिब बातों को माफ़ कर दिया और अपने गु़स्से को भी पी गया और किसान को इनाम भी दिया इससे ज़ाहिर होता है कि हमें हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से देना चाहिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे सबसे पहले हैं इसके तोड़ जोड़ रायगा सल्तनत राजम गुस्ताख़ी और तन्हा उसके बाद हमने दिए हैं इन्होंने दिए हैं लफ्ज़ इनके मायने के गिरद हमने दायरा लगाना है हकयात वो वाक़ हैं जो शख्सियात ने तजर्बे से अख़स किए हों यानी कि सीखना खरीदना सुनना अखस का माननी होता है सीखना तो इसका राइट आंसर है अलिफ़ किसान ने तन्हा अपने गधे को निकालने की कोशिश की जोरों शोर से अकेले ही मेहनत से तन्हा का राइट आंसर होता है अकेले यानी कि बे इसका राइट आंसर है इसके बाद है किसान की कोशिश रायगा गई रायगा का मतलब होता है बेकार तो इसका राइट आंसर है बे यानी बेकार ग़लामों ने बादशाह के कान भरे यानी नाफरमानी करना हुक्म देना चुगली खाना कान भरे का राइट आंसर होगा जीम चुगली खाना ग़लमों ने कहा कि किसान ने गुस्ताखी की है मेहनत बेअदबी अदबी गुस्ताखी का मतलब होता है बेअदबी यानी कि बे इसका राइट आंसर है इसके बाद है अल्फाज जुमले जुमलों में सबसे पहले है तन तनहा यानी अकेला मैं तन तनहा जंगल में गया गुस्ताखी यानी के बेअदबी किसान ने बादशाह की शान में गुस्ताखी की कान भरना यानी चुगली खाना गुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए रायगा बेकार किसान की कोशिश रायगा गई अकज में अकज का मतलब होता है किसी कहानी का सीखना मैंने इस कहानी का नतीजा अख्स किया मशहूर गुलिस्तान और बोस्तान मशहूर किताबें हैं इसके बाद है आपके पास सवाल के जवाब सवाल नंबर एक है किसान के गधे को क्या हुआ था किसान का गधा कीचड़ में फंस गया था किसान ने परेशानी के आलम में क्या किया किसान ने परेशानी के आलम में सबको बुरा भला कहा बादशाह ने किसान के साथ कैसा सलूक किया बादशाह ने किसान की नामनासिब बातों को माफ़ कर दिया और उसे नाम उक्राम से नवाजा इस शिकायत से हमें क्या सबक मिलता है इस शिकायत से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई का जवाब अच्छाई